हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 8 जून। 8 जून से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेगी उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के आपको PDF मिल जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, अपडेट्स भी मिल जाएंगे और झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स, नोटिफिकेशन, अपडेट्स सभी चीजें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन करके रखें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें जिससे आप लोगों के अंदर झारखंड के करंट अफेयर्स की समझ जो है वो विकसित हो सके। तो चलिए चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटानगर। टाटानगर रेलवे स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ई स्कूटी की बात करें तो ई स्कूटी का फुल फॉर्म क्या है? ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक स्कूटी। इलेक्ट्रिक स्कूटी की सुविधा को टाटानगर स्टेशन में शुरू किया गया है और ये राज्य का पहला ऐसा स्टेशन है जहां पे ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, राज्य के कौन से स्टेशन में पहली बार प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया है? ये करंट अफेयर में हम लोग देख चुके हैं और मैंने आपको कई बार बताया है। तो राज्य के कौन से स्टेशन में पहली बार प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया है और वर्तमान में राज्य के कितने स्टेशनों में प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आप लोग कमेंट करके आंसर दें। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में जमशेदपुर में स्थित टाटानगर स्टेशन में ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। यहाँ अभी फिलहाल 10 ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है, आगे मांग को देखकर इसे बढ़ाया जाएगा। यह व्यवस्था जो है वो यात्रियों के लिए किया गया है, यानी यात्रियों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें यात्री इस सुविधा का उपयोग करने के लिए 2 घंटे में ₹150 का खर्च कर सकते हैं, यानी ₹150 इसका किराया रखा गया है। 2 घंटे के लिए ₹150 का किराया यात्रियों को देना होगा। तो ई स्कूटी की सुविधा जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है? वो टाटानगर स्टेशन में शुरू की गई है। आप ये देख सकते हैं, ये स्कूटी की जो है ई स्कूटी की जो है उद्घाटन किया गया है और इसकी शुरुआत टाटानगर स्टेशन में की गई है। टाटानगर स्टेशन, तो ये है टाटानगर स्टेशन, इसी पे अभी ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है और ये राज्य का पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखें। टाटानगर स्टेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है जमशेदपुर में। जमशेदपुर की बात करें तो ये है मैप में जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जमशेदपुर के फॉर्मेशन की बात करें तो 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई थी। जमशेदपुर एक शहर है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और यहाँ पे ये स्टेशन है जिसे हम लोग टाटानगर स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो 1919 में इसका स्थापना की गई थी। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ साथ जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम जिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है जमशेदपुर और यहीं पे है टाटानगर स्टेशन जहाँ पे पहली बार ई स्कूटी की सुविधा को शुरू किया गया है। अब हम लोग पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम कौन से राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और ओडिशा के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 जनवरी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे टोटल अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे टोटल 11 ब्लॉक है। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम के टोटल एरिया की बात करें तो
3533 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। और 16 जनवरी 1990 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16 जनवरी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो झारखंड में 5 डिवीजन है। अगर आप लोग डिवीजन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिवीजन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, आप लोग झारखंड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके डिवीजन के बारे में देख सकते हैं। वहां पे प्रॉपर एक एक डिवीजन के बारे में अलग अलग बताया गया है और एक एक जिले की स्थापना के बारे में अलग अलग बताया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर की बात करें तो चाईबासा में कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम के टोटल एरिया की बात करें तो 3533 किलोमीटर स्क्वायर का है, हम लोग देख चुके हैं। 989 यहाँ का सेक्स रेशियो है, यानी लिंगानुपात है। 76.13% यहाँ का लिटरेसी रेट है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 650 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर हम लोग सब डिविजन की बात करें यानी अनुमंडल की बात करें तो यहाँ पे कितने सब डिविजन है यानी अनुमंडल है, तो यहाँ पे 2 सब डिविजन है, धालकुम और घाटशिला। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सब डिविजन की बात करें यहाँ पे 2 सब डिविजन है, ढालभूम और घाटशिला। और ब्लॉक की बात करें तो टोटल 11 ब्लॉक है, ये इसके टोटल 11 ब्लॉक है और ये इसके 11 ब्लॉक की पोजीशन है। तो पोजीशन को भी आप लोग याद करके रखें। तो चलिए चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किनके द्वारा जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किनके द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च जो है किया गया। अब हम लोग मोदी के बारे में सबसे पहले जानते हैं, भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। तो इनके टर्म को आप लोग याद रखें, इनके जो रैंक है उनको आप लोग याद रखें, रैंक आप लोग जरूर याद रखें, 15वें प्रधानमंत्री है। अगर हम लोग बात करें कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो वर्ष 2014 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 जून को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 6 जून को जन समर्थन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 13 सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाकर उसे आम लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोन लेने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और मंजूरी तक का जो सफर होगा, आवेदन से मंजूरी तक का जो सफर होगा वो इस पोर्टल में ही किया जा सकेगा। तो 13 सरकारी योजनाओं को एक साथ लाने पर इस पोर्टल का अहम योगदान रहेगा, इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और 6 जून को इसे लॉन्च किया गया है। तो जन समर्थन पोर्टल, इसे भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये जहां भारत के 15वें प्रधानमंत्री है, तो इनके रैंक को आप लोग याद रखें और वर्ष 2014 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, यानी अब तक इनका 8 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब पहली आदिवासी कवयित्री सुशीला सामंत मुंडा की जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 जून। 7 जून को कवयित्री सुशीला सामंत मुंडा की जयंती मनाई गई है और ये झारखंड की पहली आदिवासी कवयित्री थी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में 7 जून को पहली आदिवासी कवयित्री सुशीला सामंत मुंडा की जयंती मनाई गई है और इनकी 116वीं जयंती मनाई गई है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनका साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक के क्षेत्रों में अहम योगदान रहा है। तो पहली आदिवासी कवयित्री सुशीला सामंत मुंडा, ये है सुशीला सामंत मुंडा और इनकी 7 जून 2022 को 116वीं जयंती मनाई गई है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के अजीत कुमार ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। अजीत कुमार, इन्होंने कुश्ती में खेलो इंडिया
यूथ गेम्स में कांस्य पदक जो है प्राप्त कर लिया, यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। पंचकुला में आयोजित की गई थी, हरियाणा के पंचकुला में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के पहलवान अजीत कुमार मुंडा ने कुश्ती में कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है। तो इसे आप लोग याद रखें, इन्होंने 55 kg के वर्ग में इस पदक को प्राप्त किया है। तो कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है, ये आप देख सकते हैं, ये है अजीत कुमार और इन्होंने कांस्य पदक, आप ये पदक भी देख सकते हैं, इन्होंने कांस्य पदक जो है कुश्ती में प्राप्त किया है। तो इसे आप लोग याद रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो हरियाणा में किया गया था। हरियाणा के कैपिटल की बात करें तो हरियाणा का कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़, और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर है, और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन है? मुख्यमंत्री है, यानी चीफ मिनिस्टर है। तो इसे आप लोग याद रखें, और हरियाणा के जो आप लोग कैपिटल है उसको याद रखें, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों का ही कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग भारत में वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में कितने स्टेट्स हैं? भारत में वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, यानी 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसे भी आप लोग याद रखें। हाल ही में ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को कितने मेडल मिले हैं? तो ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को जो है वो 6 मेडल मिले, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 मेडल में से 4 जो है वो गोल्ड है और 2 जो है सिल्वर है। ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को 6 मेडल प्राप्त हुए हैं। ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को 4 गोल्ड सहित टोटल 6 पदक जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसे आप लोग याद रखें, ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप, खेलो इंडिया ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप, इसमें झारखंड को 6 मेडल। आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में पीके श्रीवास्तव को किस राज्य के हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट के जज के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, और ये झारखंड हाईकोर्ट के 21वें जज होंगे। झारखंड हाईकोर्ट में टोटल 25 पद हैं, जिनमें से 21 पद पर ये कार्यरत होंगे, यानी 21 पद पर जो है इनको लेकर जज कार्यरत होंगे, और 4 पद जो है वो अभी तक खाली रहेंगे। इनके पहले 20 पद पर जज कार्यरत थे और 5 पद पर खाली थे। तो ये झारखंड हाईकोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं पीके श्रीवास्तव। अगर लोग झारखंड हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। तो इन्हें आप लोग याद रखें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया था? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन करते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में फ्लोरेंस बार्ला ने कितने पदक जीते हैं? तो फ्लोरेंस बार्ला ने 3 पदक जीते, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस जिले की टीम जो है वो विजेता बनी है? तो इसमें रांची जिले की टीम जो है वो विजेता बनी है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322A के चेयरमैन MJF लायन पूर्वी घोष को कब इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 मई को इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में झारखंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की टीम किस राज्य में आयोजित होने वाले नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये भाग लेने के लिए झारखंड की स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची रेल डिवीजन को समयबद्धता में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला स्थान। समयबद्धता के मामले में रांची रेल डिवीजन को पहला स्थान मिला है, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।